स्टैक ने डाउजोन्स नेक और डाउज जो की डाउन जोन्स की धजिया उड़ा दिया उड़ा दिया नेस्डेक और डाउक जोन्स की धजिया उड़ा दिया निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स जी दोस्तों निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स धजिया उड़ा दिया जी हाँ धजिया उड़ा दिया किसकी नस्टडैक और डाउ जोन्स की धजिया उड़ा दिया कैसे और क्यों चलिए हम बता देते हैं कि कल का निफ्टी कितना पे आएगा बैंक निफ्टी कितने पे आएंगे और सेंसेक्स का क्या हाल रहेगा ये इसके पहले हम जानेंगे कि एक महीने में जी दोस्तों सत्ताईस दिसंबर से सत्ताईस दिसंबर 2021 से पहली पहली बात सत्ताईस दिसंबर 2021 से सत्ताईस दिसंबर सत्ताईस जनवरी 2022 जी दोस्तों अगर हम प्रॉफिट के मामले में देखेंगे और एफ की बिकवाली और डी की खरीदारी और एफ की ख़रीदारी और डी आई की एफ आई आई की बिकवाली और डी आई आई की खरीदारी खरीदारी कितना है और एफ आई आई की खरीदारी यहाँ देखिए एफ आई आई एफ आई आई की बिकवाली माइनस कित बिकवाली मतलब कितना माइनस और डी आई आई की खरीदारी मतलब प्लस अब यहां पे एफ आई आई की खरीदारी और डी आई आई की बिकवाली पूरा बताएंगे तो लग जाएगा एक घंटा दोस्तों इसीलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको चलिए तो ये एक महीने का डी और एफ की बिकवाली और ख़रीदारी और डी की बिकवाली और ख़रीदारी एक महीने का देखेंगे नेस्टडेक का देखेंगे और डाउजों का देखेंगे निप्टी फिफ्टी का और सेंसेक्स का देखेंगे हम तो समझिए कि फोर पॉइंट सिक्स वन परसेंट का आपको डिफरेंस है हमारा निफ्टी भारतीय बाज़ार जो है समझिए फोर पॉइंट सिक्स वन एट परसेंट में अभी तक प्रॉफिट दिया है दोस्तों जी हाँ प्रॉफिट दिया है और यही प्रॉफिट अभी हम अगर सोलह सोलह सात सो सौ सत्तर पर भी जाते हैं तो हमें अफसोस नहीं और यहाँ से जाकर फिर हम अब जाएंगे कैसे वो भी जान लीजिए कितना जाएंगे कहाँ तक जाएंगे निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स कितना जाएगा वो भी जान लीजिए अगर सोलह सात सौ सो सत्तर सोलह सात सौ सो सत्तर कल चला भी जाता है दोस्तों तो फिर निफ्टी समझिए कि अगर ये सत्रह एक सौ दस पे है और यहाँ पे खुला अगर अगर ये जाते जाते फिर यहाँ पे आते 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 फिर यहाँ पे आते आते फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आते आते फिर यहाँ पे लास्ट में आकर अगर सोलह सौ सोलह सात सौ सत्तर हो भी जाता है दोस्तों तब यहाँ से यहाँ से अब क्या करेगा ये निफ्टी फिफ्टी यहाँ से सीधे सीधे ऐसे जाएगा और ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे फिर ऐसे जाएगा और ऐसे करके निफ्टी फिफ्टी जाने वाला है दोस्तों अब आपको हम बता देते हैं कि उन्नीस हज़ार के बाद ही ये रुकने वाला है दोस्तों अब कितना दिन के बाद ये नहीं बताएंगे इसलिए कि आप लोग कूदना चालू कर देंगे दोस्तों जय हिंद जय भारत बंदे माधव लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब करें लाइक इसलिए कीजिए कि और लोगों को मिले आप सीख रहे हैं तो आप स्वार्थी ना बनिए और जुआड़ी मत बनिए आप दो लोगों को हम आपको दे रहे हैं कुछ ज्ञान और दान तो आप भी ज्ञान और दान दीजिए लाइक करके और सब्सक्राइबर कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जो भी हमारा वीडियो देखिए लाइक जरूर कीजिए ये हमारा रिक्वेस्ट है जय हिंद जय भारत वंदे मातरम